सभायमान है, लेकिन पूर्ण रूप में कृष्ण कब सभायमान? जब कृष्ण ब्रज में होते हैं। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी ये बृहत भागवत अमृत ग्रंथ अपनी चित्त को बनता है। जब कृष्ण द्वारका में रहते थे, सोते थे तो रुक्मिणी आदि महिषियों के पास में, लेकिन कृष्ण रोते थे ब्रजवासियों में। एक दिन ये ब्रज श्री महिषियों ने देखा, कृष्ण क्यों ये ब्रजवासियों के लिए इतने रोते हैं? हम एक से एक सुंदरी, सारी कलाओं में हम परिपूर्ण, सारी कलाओं में, लेकिन हम एक से एक सारे गुणों में हम एकदम एक्सपर्ट हैं, लेकिन सोते हैं हमारे पास में और रोते हैं ये ब्रजवासियों के लिए। कभी कभी हमारे सारी पकड़ कर कैच करके बोले, हे ललिते तुम कहाँ हो, हे विशाखे तुम कहाँ हो, हे राधे तुम कहाँ हो, हे श्यामली धवली, नाम लेते हैं ये ब्रजवासियों के लिए, ये नाम लेते हैं। बोले भैया, ये ब्रजवासियों ने कृष्ण के ऊपर में क्या जादू और क्या गुणा कर दिया, उनको समझ में नहीं आता था। हैं? एक दिन क्या हुआ, कृष्ण ब्रज लीला में चिंतन करते करते ब्रज लीला को एक दिन कृष्ण बेहोश हो गए द्वारका। कहते भैया उनका होश नहीं से आएगा, पानी है इस पास में, पानी है इसके पास में। कहते अभी इनकी होश कैसे आएगी, अगर उनको ब्रज लीला को, ब्रज लीलाओं को अगर उनको स्मरण कराया जाए तो तभी इनकी होश आ सकती है, नहीं तो होश नहीं आएगी इनकी होश को। इसलिए इनकी होश नहीं आएगी। इतने में श्री नारद जी आए। सर नारद जी को बोले, आप थोड़ी सी ब्रज की हैं महिमा, ब्रज की थोड़ा कीर्तन करो, हैं ब्रज की कीर्तन करो। बोले नहीं, कृष्ण का ऐसे होश आने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रज लीला कीर्तन करते करते बेहोश हो गए। तभी इनकी होश आएगी जब उनका ब्रज का पोशाक पहनाया जाए, परिवेश संपूर्ण ब्रज का परिवेश हो, तभी कृष्ण को होश आएगा, नहीं तो कृष्ण को होश नहीं आएगी। बोले क्या करनी चाहिए? बोलो, बोले इसको चलो कृष्ण को हम ले जाते हैं। कहाँ? कहाँ ले जाते हैं? कहते कृष्ण को हम ले जाते हैं, हैं गरुड़ को पीठ के ऊपर बैठा करके कृष्ण को ले जाते हैं, हैं ले करके समुद्र किनारा में, द्वारका में समुद्र किनारा में, वहां पर ब्रह्मा जी को बुलाए। बोले आप एक नव वृंदावन को सृष्टि करो, ऐसे सुंदर सृष्टि करो जैसे लगे कि साक्षात वृंदावन था। तब ब्रह्मा जी एकदम वृंदावन जैसे उन्होंने बनाया। जब कृष्ण गोचारण करने के लिए जाते हैं, कैसे सखाओं को साथ में कैसे दया चढ़ाते हुए जाते हैं, और जाते समय कैसे ये ग्वाल बाल होते हैं, कैसे बछड़े होते हैं, और जाते समय कैसे कृष्ण नींद से उठ करके मैया यशोदा से मक्खन मांगते हैं, और कृष्ण चलते समय कैसे ब्रज की गोपियां कुंजों से बड़े सुंदर रूप में कृष्ण को निहारती हैं। एकदम वृंदावन जैसे उन्होंने बनाया, अद्भुत उन्होंने बनाया वृंदावन जैसे। इतने में श्री नारद जी बड़े सुंदर कृष्ण कीर्तन करते हैं। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। अभी श्री नारद जी बड़े सुंदर कीर्तन करते हैं, ब्रज की बड़ी प्यारी रचनी कीर्तन किए। अभी कृष्ण का जो ड्रेस था ना, वो ड्रेस भी बदला दिया। कृष्ण जब द्वारका में रहते हैं, वो द्वारकाधीश का ड्रेस पहनते हैं। अभी उन्होंने पूरा ड्रेस बदला करके कृष्ण को वृंदावन का ड्रेस में श्रृंगार कर दिया, और श्री बलदेव प्रभु को उनको भी वृंदावन का पूरा ड्रेस, सर पर पर पंख लगा दिया, जितने हैं पेड़ पौधा लता पताओ से कृष्ण का श्रृंगार, बलदेव प्रभु को श्रृंगार करते ऐसे उनको श्रृंगार करा दिया बड़े सुंदर रूप में। इतने में
जब ब्रज का कीर्तन किया, अभी धीरे 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 कृष्ण का अभी जो मूर्छा हो गया था, अभी धीरे धीरे कृष्ण का मूर्छा बंद होता, कृष्ण का मूर्छा जो बंद हुए, वो तो पूरा वृंदावन की लीला चिंतन करते करते कृष्ण बेहोश हो गए थे। जब उनकी मूर्छा भंग हुआ, वो सोचे शायद मैं सो रहा था, इतने में कृष्ण जब जगे, तब कृष्ण सवेरे सवेरे सखा के साथ मुदैया चराने के लिए जाते हैं, और वहां पर देखा सामने समुद्र है और सूर्य बड़े ऊंचे तक चले गए, तीन है। बोले इतना कहते मैं इतना समय तो वो सो गया था, और वहां पर जो रुक्मी सत्यभामा कालिंदी मित्रविंदा, बोले तुम लोग दूर से खड़े रहो, पास में कोई भी नहीं आना, उद्धव जी नारद जी पद्मा कौन है, कलसती माँ के नाम ये पद्मा है, तुम लोग सबके सब दूर दूर में खड़े होकर के दर्शन करो। कृष्ण को ये नहीं पता चले कृष्ण अभी द्वारका में, उनको ये पता चले कृष्ण अभी वृंदावन में। जब कृष्ण का धीरे 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 कृष्ण का होश आया, बोले इतने समय तक मैं सो गया था, सामने देखे सबके सब गैया खड़े, सामने बछड़े खड़े हुए, दीन हो गया। इतने में मैया जसोदा, जैसे सवेरे कृष्ण उठते ही मैया जसोदा हाथों में मक्खन लेकर के खड़ी रहती है, देखा मैया जसोदा वहां पर मक्खन लेकर खड़ी हुई। इतने में कृष्ण बोले मैया मैया इतने समय तक मैं सो गया, तुमने मेरे को उठाया नहीं, और ये सखा लोग बछड़े लोग जाने के लिए सबके सब इंतजार कर रहे हैं। और इतने में कृष्ण बोले मैया मैया मैंने रात को ना क्या क्या मैंने स्वप्न देखा, मैं तो स्वप्न देखा मेरी बहुत शादी हो गई है, मेरी बहुत शादी हो गई है, कृष्ण उसको स्वप्न मान रहे हैं, ये ब्रज लीला ही उनकी असली लीला, कहते इनकी जो द्वारका लीला उनकी कहते स्वप्न लीला है, और मेरी शादी हो गई 16108 पटरानियों से मैंने शादी की, भैया मैंने और बहुत कुछ स्वप्न देखा है, अभी मेरे पास में समय नहीं, अभी मैं गोचारण करने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊंगा ना फिर तुम्हें ये सारी बात बताऊंगा। जब कृष्ण जा रहे थे, जैसे ब्रज की गोपियां सुंदर कुंज के आरों से कृष्ण को दर्शन करती थी, बड़े सुंदर कुंज बनाए और गोपियां गोपियों की मूर्ति वहां पर खड़ी हुई। फिर थोड़ी दूर गए थे श्री राधा रानी मिली, वो भी कुंज की आर से देख रही थी। इतने में कृष्ण को लगा मैंने जो स्वप्न देखा है ना शायद राधा रानी को पता चलेगा, क्योंकि मैंने इतने सारे शादी की, इतने मैंने शादी की, अगर राधा रानी को ये बात पता चलेगा ना फिर तो राधा रानी बड़ा क्रोधित तो होगी, बड़ी गुस्सा करेगी कि राधा रानी कृष्ण बोले हे राधे लगता है मेरी स्वप्न की बात तो पता चल गया है, इसलिए पता चल गया, इसलिए कोई चिंता मत करो, मैं जब वापस आऊंगा ना तो फिर तेरे को मना दूंगा। जब कृष्ण और थोड़ी दूर गए और उसी समय में कृष्ण की जो हाव भाव कटाक्ष, उनकी जो चलना, उनकी जो बोलना, उनकी जो मीठी मीठी हंसी, उनकी जो तेरी से चितवर, उनकी चालों में ना क्या चाल साल अलबेली है, गजराज चले मस्त मस्त है, उनकी जो चाल ब्रज में रहते हुए, कभी जो पद्मा थी ना ये कंस का मैया, ये हो गई थी 100 साल की टोकरी है, पूरा पूरी हो गई थी, लेकिन कृष्ण इतने सुंदर कृष्ण लग रहे थे, वो तो भूल गई मैं बुढ़िया, वो सोच रहे थे मैं तो छोरी बन गई हूँ, 12-15 साल की मैं छोरी बन गई हूँ, अभी वो पागल ही होकर के कृष्ण को पकड़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको किसी तरह से रोका। और सत्यभामा रुक्मिणी तो ब्रज का जो कृष्ण का सौंदर्य को देख करके एकदम मुग्ध हो गई, तब उन लोगों को ये अनुभूति हुई, उनको ये अनुभूति हुई, वो लोग जो सोचते थे ये ब्रजवासी ने क्या उनको जादू टोना किया है, क्या उनको ये देखा ब्रजवासियों के प्रति, गोपियों के प्रति कृष्ण का जो प्रेम है, तो उनका सेविका 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 का प्रति भी हमारे प्रति जो प्रेम वो भी नहीं, मतलब कृष्ण ब्रजवासियों को इतने प्रेम करते, उनको ये सारी चीज की अनुभूति हो गई, सारी चीज की अनुभूति हुई है।
वहां पर सबके सब उनका रूप देख कर मुक्त हो गए। लेकिन कृष्ण जब थोड़ी सी आगे जाते हैं ना, क्या देखते समुद्र, बोला ये समुद्र कहां से आ गया। लेकिन समुद्र को दूर से देख कर लग रहा था जैसे यमुना, लेकिन थोड़ी दूर गए तो देखा ये समुद्र बड़ी बड़ी लहरें आ रही। बोले ये क्या, ये समुद्र कहां से आ गया, ये समुद्र कहां से आ गया। अब थोड़ी देर बाद में देखा वो जो बाल बाल गैया हमने ऐसे बनाया था, लग रहा था जैसे सचमुच से, थोड़ी देर बाद में देखा नहीं ये सचमुच से है नहीं। फिर उन्हें जो ड्रेस को पहनना था वृंदावन का ड्रेस, फिर उन्होंने श्री बलदेव प्रभु को देखा, मैं बलदेव प्रभु वृंदावन ड्रेस में वो भी सज थे। लेकिन जब उन्होंने थोड़ी देर बाद में फिर उद्धव जी को साध्वी को फिर द्वारका वासियों को देखे, बोला अरे मैं कहाँ पर अभी हूँ, क्या अभी मैं वृंदावन में नहीं हूँ, अभी क्या मैं द्वारका में हूँ। फिर उन्होंने श्री बलदेव प्रभु को प्रश्न करते हैं, बोले भैया अभी हम कहाँ हैं। बोले कन्हैया तू कृष्ण तुम वृंदावन की याद करते 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 तो बेहोश हो गया, इसलिए तेरे को होश दिलाने के लिए हम तुमको गरुड़ पर पीठ पर बैठा कर यहाँ पर लाए। और ये जो देख रहे हैं ना ये कुंज राधा रानी, ये सब कोई सच नहीं है, ये सब सब स्टैचू है, ये ब्रह्मा जी ने ही ये सब चीजों को ब्रह्मा जी ने ही प्रकट किया है, तुमको होश दिलाने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। इतने में कृष्ण उसके बाद में शर्मिंदा हो। हाँ यहाँ शिक्षा देते हैं, बोले गोकुले भ्राजमानम, कृष्ण यद्यपि द्वारका में भी देखते रहते हैं, मथुरा में भी रहते हैं, लेकिन जब वो ब्रज में रहते हैं और जब राधा रानी को साथ में ब्रज में रहते हैं, पूर्ण रूप में कृष्ण का सौंदर्य पूर्ण रूप में निकलता है। बोले क्यों, बोले भक्तों की भावना के अनुरूप भगवान को दर्शन करते हैं। देखना व्यक्ति एक है, व्यक्ति तो एक है, लेकिन एक सखा जब देखता है ना वो सखे रस में देखता है, एक मैया जब देखती है वो अपना बेटे रूप में देखती है, लेकिन जब पत्नी देखती है वो एक पति रूप में दर्शन करती है। लेकिन जिसकी हृदय में जितने भाव है वो भाव के अनुरूप वो रूप निकलता है, वो उसके पास में रूप प्रकट होता है। इसलिए कहते गोकुले भ्राजमानम, उसके बाद में जसोदा बियलो खलाभ्यामानम परामृष्टमत्त तद्द्रुत गोप्या, उसके बाद में जसोदा बियलो खलाभ्यामानम। अभी मैया जसोदा कृष्ण को पकड़ने के लिए उसको पीछे भाग रही है। बोले क्यों भाग रही है, ये तो बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है, इसको पहले हम कल सुनेंगे। कृष्ण कल तक फिर दर्शन है ना, इसलिए इसको अपने बंगाली मायरा बुझते बात छे ना, अपने कुछ अपने हिंदी बुझते बात छे, अपना हिंदुस्तान के साथ से ना पाकिस्तान के आज जरा हिंदुस्तान से आज है तरह तो हिंदी बुझते बार में पाकिस्तान पे आज जातीय भाषा है ना, हम हिंदी में कथा करें साढ़े चार बजे सब जितने हिंदी भाषी हम बोल रहे ब्रह्मचारी बोल बांग्ला पांच मिनट पे सुन ली। हाँ एक माँ जसमती एक गोपाल के धरार जन तार पिछले पिछले दौड़ा थे, बोले कहना दौड़ा थे, बोले कृष्ण तिनी हारी के भेंगे दिए थे, बोले केना भेंगे दिए छे, बोले कृष्ण तिनी बारी बारी से तिनी नोनी माखन तिनी चोरी करते, बारी से बारी से तिनी माखन चोरी करते, बोले कृष्ण की चोर माखन चोरी करते, कृष्ण के ना बारते बारते जो तरह चोरी करते, चोरी के करे जर बारते अभाव आसे, ते तारा तो चोरी करे कृष्ण तिनी के तो विश्व ब्रह्मांड तिनी तो मालिक अगर तिनी माखन के ना चोरी करे माखन चोरी करते जैसे ना गोपी देर के मन के तिनी चोरी करते जैसे कहने ना जब हम माँ जसमती गोपाल के कोले बसे जब हम ताके दूध खावा तो जब हम लोगे नोनी खावा था ना एक और ब्रजवासी तेरी इच्छा हो तो गोपाल ने कौन हमारे बाढ़ के आसवे हमारे की सही सौभाग्य हमें ताके कोले बसी है ताके भालवे से हमराव से नोनी खावा से बार वो भगवान का सर्वज्ञ ज्ञानी
ब्रजवासी तो कोनो साधारण जरा मेन है ब्रज साधारण मेन है ता नित्य परिकर एई जने कृष्ण ते की करते सखा देरे बाड़ी सखा देरे के दिए ते नी माखन चोरी करते दिए छे एक दिन कृष्ण चिंता करचे जे अन्य बाड़ी ते चोरी करार आगे प्रथम नीचे रे बाड़ी ते चोरी कर देखे हम सक्सेसफुल होते पारे छे कि ना हमारे चोर विद्या दा কাজে লাগছে কিনা প্রথমে নিজের বাড়িতে চুরি করি তা অন্য বাড়িতে চুরি করবো এই জন্য কৃষ্ণ এখানে মার আর আর একটি ঘরে তিনি কাজ করছেন এখানে কৃষ্ণ একটা উদুখল মধ্যে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ ওই হাড়ি থেকে মাখন দিয়ে খাচ্ছে খাওয়ার সময় মা যশোদার বাড়িটা কিরকম বলে সবচেয়ে সব সোনা দিয়ে তৈরি হীরা মুক্তা দিয়ে তৈরি আর যে খম্বা খম্বা গুলো ছিল না ওসব মণি দিয়ে তৈরি এখন কৃষ্ণর বয়স কত তিন বছর হবে কৃষ্ণের তিন বছর হবে আড়াই তিন বছর চলে হ্যাঁ এখন কৃষ্ণ যখন মাখন চুরি করছে ও জানে না ছায়াও একটা কি বস্তু হয় এখানে কৃষ্ণের যে ছায়াটি না একটি মণি স্তম্ভের উপরে প্রতিবিম্ব হয়েছে যখন প্রতিবিম্ব হয়েছে এখানে কৃষ্ণ চিন্তা করছে ও বুঝতে পারেনি আমারই ছায়াটা কৃষ্ণ চিন্তা করছে বলছে আমার মত বোধ হয় আর কা ছেলে ওই বাড়িতে নোনি চুরি করছে আর ও মনে হচ্ছে আমাকে দেখে ফেলেছে মাকে বলে দিবে তিনি চিন্তা করছেন এর সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব স্থাপন করছি এর সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব স্থাপন করলে তখন মাকে বলে বলে তখন গোপাল কি করছে নোনি নিয়ে বলে দেখ তুই ও খা আমি ও খাচ্ছি কিন্তু মায়কে তুমি বলবে না এখন ছায়াটা ওই বলছে হ্যাঁ ছায়াটা ওই বলছে দেখো তুই ও খা আমি ও খাচ্ছি কিন্তু মাকে তুমি বলবে না তখন গোপাল বলছে তুমি আমার বাড়িতে এসে আর আমাকে উপদেশ দিচ্ছ এখানে ছায়াটা ওই বলছে আমার বাড়ি চুরি করে তুমি আমাকে উপদেশ দিচ্ছ কৃষ্ণ তো ওই ছায়ার সঙ্গে না ও লড়াই করতে আরম্ভ করে দিয়েছে ওই ছায়ার সঙ্গে লড়াই করতে আরম্ভ করে দিয়েছে এখানে মা যশোমতী এখানে দ্বিতীয় ঘরে ছিল বলে কি ব্যাপার কি ঘরকে তো কেউ নেই ইয়ে গোপাল কার সঙ্গে লড়াই ঝগড়া করছে এখন মা যশোমতী ধীরে ধীরে এসে দেখে ওই গোপাল না ছায়ার সঙ্গে তিনি লড়াই করছে নিজের পরছায় সঙ্গে তিনি লড়াই করছে এখন মা বলছে গোপাল তুই কার সঙ্গে লড়াই ঝগড়া করছিস বলে মা ও তাকে বলেছে তখন কৃষ্ণ কি করছে ওই উদুখল থেকে তিনি লাফ দিয়ে ওই যে মণি স্তম্ভ ছিল না তাকে জড়িয়ে ধরছে বলে মা মা আমাদের বাড়িতে না একটা চোর ঢুকে গেছে বলে চোরটা কোথায় বলি মণি স্তম্ভের ভিতরে ঢুকে আছে ওই ছায়াটা দেখেছে না বলে এর ভিতরে ঢুকে আছে বলে বাড়িতে তো চোর এসে গেছে কিন্তু তোমার হাত থেকে মাখন কোথাতে গেল তোমার হাতের মধ্যে মাখনটা নোনিটা কোথাতে গেল ও তো চুরি করছিল তোমার হাতে বলে এটাও ঠিক কথা বলে মা তুমি আমার হাতে যে মণির এটা কড়াও বাংলায় কি বলে যে যে হাতের মধ্যে পড়ে না মায়েরা চুরি মতো কি বলে তোমার বালা বলে তুমি যে হাতের মধ্যে ওই বালা পড়িয়ে দিয়েছ ওইটা না খুব গরম হয়ে গেছিল এই জন্য এই মাখনের মধ্যে ফেলে না ওটাকে ঠান্ডা করছিলাম বলে তুমি হাত থেকে তো ঠান্ডা করছিলে কিন্তু তোমার মুখের মধ্যে কোথা থেকে মাখনটা এলো বলে এইটাও সত্য কথা বলে আমার মুখের মধ্যে না এটা পিঁপড়া চলছিল ওই পিঁপড়া তাকে হঠাৎ সরাতে গিয়ে আর মুখের মধ্যে মাখন লেগে গেছে তখন মা বলছে গোপাল হ্যাঁ তোমাকে এসব চুরি করার কি দরকার আমি যা কিছু করছি তুমি তো একটাই আমার ছেলে আপ লোক ইয়াঁ পর বৈঠে হুয়ে থে আপ লোক अगर मेरे को पता चलता आप बैठे ना फिर मैं हिंदी में बोलता सामने कोई दिख नहीं रहे थे इसलिए मैंने सोचा कोई हिंदी वासी या नहीं से बंगाली में बोला शाम को आ जाना ठीक है शाम को चार चार बजे हिंदी में बोले हरे कृष्ण एक बार माँ जसमती बोलते बोले गोपाल तुम्हें हमारी तुम्हें एक टीच ले हैं हमें जा कुछ बनाई तुम्हारे जने बनाई এসব চুরি ঠুরি করার কি দরকার আছে কৃষ্ণ বললো জীবনে প্রথমবার চুরি করে ধরা পড়লো মনে হচ্ছে জীবনে ধরা পড়লো আমার চোর আর চুরি কাজ আর সাকসেস বলে হবে না সারা জীবন আর ধরা পড়বে এই জন্য কৃষ্ণ তিনি প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কৃষ্ণ তিনি মাখন চুরি চুরি করতে একদিন কি হয়েছে একটি গোপী প্রত্যেক দিন এসে মা যশোদার কাছে নালিশ করে তোমার গোপাল আমার বাড়িতে নদী চুরি করে
মা বলছে আমি এটা বিশ্বাস করতে পারি না, বলে কেন, বলে আমার বাড়িতে কি অভাব আছে ননি যে আমার গোপাল গিয়ে তোমাদের বাড়িতে ননি চুরি করবে, হ্যাঁ আমার তো বাবা লক্ষ ধেনু আমার ঘরে, আমার আমি ছুড়বো না, যদি তোমার হাতে নাতে ধরিয়ে দাও না, হাতে নাতে যদি ধরিয়ে দিতে পারো তবে আমি মানবো, বলে ঠিক আছে কালকে দেখাবো। কৃষ্ণ তো যায় সত্যি সত্যি মাখন ঠিক করতে যায়, এখানে গোপী কি করছে ওই হাড়ির মধ্যে মাখন রেখে না, হ্যাঁ ওই রেখে দিয়ে একটি কোড়ার মধ্যে এখানে গোপীটি বসে আছে, এখানে কৃষ্ণ এসেছে, এদিকে তাকালো ওদিকে তাকালো পিছনে তাকালো চারিদিকে দিকে তাকালো, কিন্তু এগুলো কেউ নেই, ওই বিড়ালের মতো কৃষ্ণ ঘরের মধ্যে ঢুকেছে, আর ঢুকে ওই মাখন খেতে আরম্ভ করছে, যখন খেতে আরম্ভ করছে গোপীরা কিসে যেন মাখন বানিয়েছে, ওই তো গোপাল যেন বানিয়েছে, বানিয়েছে তো ওর জানি, যখন ও মাখন খাচ্ছে গোপী বলছে প্রথমে যে মাখনটা খেয়ে নে তারপর আমি ধরবো, যখন ও মাখন খেয়ে নিয়েছে না আর গোপী গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ধরছে, বলে আজ কোথায় যাবি, হ্যাঁ মা চশমতি মানতে চায় না তুমি মাখন চুরি ঘরে ঘরে মাখন চুরি ঘুরে বেড়াও, আজকে মায়ের কাছে নিয়ে যাও, তখন গোপাল বলছে দেখো আমি তো মনে করছিলাম নিজের বাড়িতে মাখন চুরি করেছিলাম, বলে বাড়িতে চুরি করেছিলি এখানে দেখাও তোমাকে, চলো বলছে আজকে তুমি ছেড়ে দাও আমি আর মাখন চুরি করবো না, আজকে ছেড়ে দাও, কাল থেকে তোমার বাড়িতে আর আমি আসবো না, তোমার পায়ে পড়ছি, তোমার শাশুড়ির পায়ে, তোমার নারায়ণের পায়ে, তোমার পত্নীর পায়ে, তোমার পায়ে পড়ছি, আজকে ছেড়ে দাও, বলে ছাড়বো না কিছুতেই, চলো বাড়ির কাছে সঙ্গে সঙ্গে। এইখান কৃষ্ণ আর কি করবে, কিন্তু কৃষ্ণ তো ভগবান, যখন নিজ আছে না এই সামনে দেখে ঘরের সামনে নন্দ বাবা, নন্দ বাবা ভাসুর লাগতো, আপনি জানেন আগে ভাসুরের সামনে কেউ যেত না, হ্যাঁ ভাসুরের সামনে কেউ যেত না, কেন ভাসুর তো দেখে না, এখানে মা যশোমতি চিন্তা করছেন, কি চিন্তা করছেন, আমি একে, হ্যাঁ আমি একে পিছনে ঘর দিয়ে নিয়ে যাই, এখানে ওকে পিছনে ঘর দিয়ে নিয়ে গিয়েছে, যখন নিয়ে গেছে পিছনে ঘর দিয়ে তখন কি হয়েছে, বলে মা যশোমতি, মা বলছে কি হয়েছে গো, বলে তুমি মানতে চাও না না তোমার গোপাল প্রত্যেক বাড়ি বাড়িতে মাখন চুরি করে আজকে হাতে নাতে ধরে নিয়ে এসছি, কিন্তু কৃষ্ণ তো ভগবান না, কিন্তু ওই সময়ে মা যশোমতি গোপালকে ওই পালকের মধ্যে খাটের উপরে না ঘুম পাড়াচ্ছিল, কৃষ্ণকে ঘুম পাড়াচ্ছিল, হ্যাঁ তখন চিন্তা করছে কাকে নিয়ে এসে, গোপাল তো ঘরে শুয়ে আছে কাকে নিয়ে এসে, এখন মা যশোমতি বাইরে বেরিয়েছে, যখন বেরিয়ে দেখে বলে কি হয়েছে গো, বলে তোমার গোপালকে হাতে নাতে নিয়ে এসছি, আগেকার নিয়ম ছিল এই মাথার মধ্যে ঘুমটা টানতো, ঘুমটা বেশি করে টেনে দিয়েছি, এখনো ব্রাজে দেখবেন মাথার দিয়ে ঘুমটা টানে, হ্যাঁ আর আগে সব মায়েরা এরকম ভাবে ঘুমটা টানতো, আর ইতিমধ্যে কি হয়েছে যখন ওই গোপাল মাথার মধ্যে ঘুমটা দিয়ে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়েছে, কৃষ্ণ ভগবান সঙ্গে সঙ্গে রূপ পাল্টে দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ওর ছেলে হয়ে গেছে গোপাল, হ্যাঁ ওর ছেলে হয়ে গেছে, বলছে আমার গোপাল তো ভিতরে শুয়ে আছে, ওই ভিতরে শুয়ে আছে আমি আর কি ধরে নিয়ে এসছি, তুমি মানতে যাও না না দেখো, বলে মনে হচ্ছে তুমি একটু ভাঙের গোলাটা বেশি খেয়ে নিয়েছো, আমার ছেলে ভিতরে শুয়ে আছে, যখন ও ঘুমটাটা খুলে ওর ছেলের মাথা থেকে কাপড় খুলে না ও দেখে ওর ছেলেই, আর গোপাল ভিতরে ঘুম ঘুমাছিল, এখন আঁখ না তিনি, হ্যাঁ আঁখ ঘিসতে ঘিসতে এখন গোপাল এখানে এসছে, গোপাল বলে মা তুমি দেখে নিলে কি গোপীরা কত মিথ্যা বলে, আমি নিজের ঘর ছেড়ে কোথায় যাই না, আমি ঘরে থাকি আর এরা মিথ্যা করে আমার নামে, তোমার নামে শিকায়ত করে স্যার, তোমার নামে লালিশ করে, এরা যখন মিথ্যা করে বলছে না আমি সত্যি সত্যি যাব, আমি এদের বাড়িতে সত্যি সত্যি মাখন চুরি করব, ওই গোপী তো দেখে না, ওই গোপী হ্যাঁ দেখেই বলে ইয়ে কি হলো, কিন্তু দরজা পর্যন্ত গোপালই ছিল, যখন মাথার মধ্যে কাপড় ঢেকে দিয়েছি কি করে, হ্যাঁ ছেলে কি করে হয়ে গেল, বলে তুই কোথা থেকে নি, বলে তুমি তো আমাকে বাড়ি থেকে ধরে তুমি তো নিয়ে এসছো আমাকে ধরে, বলে আমি তো গোপালকে ধরে নিয়ে এসেছি, বলে না মা তুমি আমাকে ধরে নিয়ে এসেছিলে, হ্যাঁ ভালো করে দেখে গোপাল না ছেলে, বলে তো ছেলেই, হ্যাঁ নিজের ছেলেই, হ্যাঁ এখন মা যশোমতি বলছে খবরদার আর যদি ভবিষ্যতে এরকম করে না, হ্যাঁ যদি ভবিষ্যতে না করো, নিজের ছেলেকে নিয়ে এসে আমার গোপাল বাড়িতে শুয়ে আছে, বলে মাখন চুরি করে, ও গোপী এত লজ্জায় পড়ে গেছে, এত লজ্জায় পড়ে গেছে, তখন তিনি যখন চলি আছে না, বলে হলো ডাক চলি আছে,
गोपाल की कल्पना बात बच रही है मतलब की गोपी की होय छे आई बोलिसलाम आज के तुम छेड़े दाओ आज के आप छेड़े दाओ तुम्हारे भाई ने माखन चोरी करे वाला देखले निजर तुम्हार छेले का भी चोर वाली दी छे यदि भाभी से आबार कौन धरे नहीं आसना तुम्हारा पति के चोर वाली हां तुम्हारे पति के चोर वाली दी हो তাহলে গোপীগণ যে গোপাল আমি হেরে গেছি তুমি জিতে গেছো আর ভবিষ্যতে এরকম আর করব না এরকম ভাবে কৃষ্ণ তিনি প্রত্যেক ভাইকে তিনি কৃষ্ণ এইরকম ভাই মাখন চুরি করতে তার আগে কি হল আবার আগে ঠিক আছে গীতায় গৌর প্রেমানন্দ এবার ওখানে যাচ্ছি আর ওখানে যাব ওখানে Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.